हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। टुडे वी विल बी कवरिंग द न्यूज़पेपर फॉर 17th of October 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग द फर्म्स लाइक सैमसंग। व्हाट इज द इशू हियर एंड व्हाई द साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट इज एडमिट फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सैमसंग इंडियन वर्कर यूनियन। देन इम्पोर्टेंट जापानीज प्रोडक्शन मेथड दैट इज कॉल्ड काइजन, एंड हाउ इज इट इन्फ्लुएंसिंग द ईस्ट एशियन कैपिटल, एंड हाउ डू दीज चाय बॉल्स ऑपरेट इन साउथ कोरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्कर्स ऑफ सैमसंग इंडिया वर डिमॉन्स्ट्रेटिंग ड्यू टू द वर्किंग कंडीशन दैट दे आर हैविंग, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स दैट वर बिकमिंग अनसस्टेनेबल। सो यहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल आता है रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग द ट्रेड यूनियंस, दी वर्कर्स ऑल्सो, एंड कैसे तीनों का ही एक एथिकल डायमेंशन होना चाहिए एंड एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो ये जो कंपनीज हैं, बोल सकते हैं हम कि हायरार्कल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे वर्क करती हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है लेबर के ऊपर ताकि उनकी एफिशिएंसी और हाई प्रोडक्टिविटी को वो मेंटेन कर पाए। एंड सैमसंग की भी अगर हिस्ट्री देखते हैं तो उन्होंने हमेशा डिस्करेज किया ऐसे लेबर यूनियंस को, साउथ कोरिया के अंदर भी एंड ऑल्सो इन डिफरेंट कंट्रीज। सो स्ट्राइक्स होती है, डिमांड्स होती है, डिसरप्शन होता है जब प्रोडक्शन लाइन में, तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एज जो है मार्केट में ऑफ सैमसंग, उस उसके लिए बेसिकली वो डिफरेंट हो जाता है। काइजन जिस मेथड की यहाँ पे बात करी है, द जापानीज प्रोडक्शन मेथड, उसका मतलब ही यही है कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम करें प्रोडक्शन के अंदर, जापानीज फिलोसफी में बेस्ड है एंड इसी चीज पे फोकस करता है कि स्मॉल बट इंक्रीमेंटल चेंज होते रहना चाहिए इन द प्रोडक्शन ताकि वेस्टेज कम से कम हो एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को हम इन्हांस कर पाए। बट यहाँ पे जो वर्कर है उसका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए इन सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, एंड जो वर्किंग कंडीशंस वर्कर को मिल रही है एंड जो वर्किंग आवर्स वर्कर के हैं क्या वो सच में सस्टेनेबल हैं भी, वो एक इशू यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये जो काइजन मेथड है कैसे ये ईस्ट एशियन कैपिटलिज्म को इम्पैक्ट कर रहा है, सो डायरेक्टली बोल सकते हैं साउथ कोरिया, चाइना जैसी जो बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कैरी आउट किया जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो काइजन मेथड है वही उसी से ही इन्फ्लुएंस है जिसमें हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन की बात करते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सेम लाइंस पे चलती हैं, डिसरप्शंस को अवॉइड करती हैं एंड आल्सो ऐसे यूनियंस को यूनियंस के अगेंस्ट होती हैं, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। देन चाय बॉल्स मीन्स बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग की जैसे यहाँ पे बात हो रही है, तो बड़ी डाइवर्स बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय फैमिलीज या फिर जेनरेशनल हम बोल सकते हैं कंट्रोल रहता है, जो कि देखा जाता है दे आर डोमिनेटेड इन दी साउथ कोरियन इकोनॉमी सिंस 1960s। सो इनका सिग्निफिकेंट रोल है कंट्री की पॉलिटी के अंदर एंड एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी होती है ज्यादातर इन कंपनीज की, जिसकी वजह से लेबर का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर इनका जो उसके ऊपर जो इनका प्रोडक्टिविटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो वर्क एनवायरनमेंट क्या सस्टेनेबल है वो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, एंड जो डिफरेंट मल्ट स्टेक होल्डर्स हैं क्या वो अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसमें अगर हम कंपेयर करें इंडिया का जो वर्क एनवायरनमेंट है लेबर के लिए एंड देन साउथ कोरिया जैसे बड़े इंडस्ट्रीज का जो वर्क एनवायरनमेंट है, तो आशिक आप कैसे कंपेयर करोगे इसको? जो इंडिया का वर्क एनवायरनमेंट है, बोल सकते हैं कि इंडिया के पास लेबर यूनियन पहले ही से थे, राइट फ्रॉम नेशनल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस। लेकिन साउथ कोरिया के जो लेबर मूवमेंट है, इट वॉज डेवलपिंग फ्रॉम 1970-1980s, वेन द इकोनॉमी वॉर डोमिनेटेड बाई चाय बोल्स। चाय बोल्स लार्ज बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट है,
और दे आर कंट्रोल्ड बाई फैमिलीज एंड फॉर जनरेशन. तो दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोस्ट कोरियन वॉर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द साउथ कोरिया. उसके बाद से ही वहाँ पर लेबर यूनियन का बूम होता है. इंडिया में शुरू से थे, लेकिन 1990s के बाद से कहीं ना कहीं जो लेबर यूनियन का जो पावर्स है वो जैसे पहले थे वो आज जैसे रहा नहीं है. तो हम लोग वापस से बोल सकते हैं कि देयर इज नीड फॉर द मोर प्रोएक्टिव लेबर पॉलिसीज, जो अभी 2024 लेबर कोड में बात करते हैं. तो देर इज अ बैलेंस, देर शुड बी अ बैलेंस कि आप अट्रैक्ट यू यू कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम प्रो लेबर डेवलपमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट, ग्लोबल नेक्स्ट 100 इंडेक्स. इसमें बोल सकते हैं कि इंडिया का जो रैंक है 105, 127 कंट्री में. तो ये दिखाते हैं कि इट इज़ अ वेरी डिसमल स्टेट विद रिगार्ड टू हंगर. तो ये क्या बताता है? ये बताते हैं 4 पैरामीटर्स: स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग एंड थर्ड मोर्टैलिटी. ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी परस्पेक्टिव से. स्टंटिंग बात है लो हाइट वर्सेस टू एज, वेस्टिंग मतलब VW, तो लो वेट वर्सेस हाइट फॉर हाइट, अंडर नरिशमेंट एज वेल एज मोर्टैलिटी, कितने चाइल्ड डेथ होता है. तो वी हैव सीन दैट जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 35% है, 18% वेस्टेज है और 2.9% चाइल्ड मोर्टैलिटी है, जो बहुत ज़्यादा है. 2.9% आउट ऑफ 100, हर 100 में से 3 बच्चे मरते हैं, तो हाईएस्ट है. तो हम लोग इन स्पाइट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट मिशन, नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोषण अभियान, पोषण गरीब कल्याण योजना, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, स्टिल द इशू ऑफ ऑल दीज 4 फैक्टर्स आते हैं. तो कहीं ना कहीं यू हैव टू कोरिलेट विद द इवोल्यूशन ऑफ द फूड प्रैक्टिसेस एज वेल एज हाउ टू मेक हंगर, हाउ टू एलिमिनेट हंगर फ्रॉम कंट्री. तो सोल्यूशन क्या है? तो इसमें बोला जाता है पीडीएस. पीडीएस एग्जाम्पल है कि ये आप फेयर प्राइस शॉप तो देंगे, न्यूट्री सीरियल प्रोवाइड करेंगे, सीरियल प्रोवाइड करेंगे, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में वैक्सीनेशन भी आता है, पोषण ट्रैक पोषण अभियान भी है कि आप फूड पैकेट देंगे, एकोलॉजिकल फूड प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल फूड फोर्टिफिकेशन अंडर टेकन बाई FCA. उसके बाद फिर जो न्यूट्रिशन, इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन फूड बट ऑल्सो इट इज़ ए 360 डिग्री, कि उसके अंदर में सैनिटेशन भी है, हेल्थ केयर भी है, वैक्सीनेशन भी है, हर चीज़. देर शुड बी अ इंक्रीज इंटरवेंशन बिटवीन एवरीथिंग, फूड, न्यूट्रिशन, जेंडर एक्सेट्रा. तो एग्जाम्पल्स में बात होता है कि डिबेट क्या है. डिबेट इसमें उठता है कि जो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो डेटा उठाते हैं, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू चाइल्ड. तो ओवर द ईयर्स हम लोग चाइल्ड में एक तरह का गेम चेंजर है, ट्रैकर है, पोषण ट्रैकर दैट टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ चेंजेस. दूसरा चीज बात होता है कि वो जो मेथोलॉजी है दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ, ये कैसे उठाते हैं, उसके अंदर में क्या यूज करते हैं, हंगर को कैसे डिनोट करते हैं, हंगर है कि न्यूट्रिशन हंगर का बात करते हैं, वैसा उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, डायरेक्टली वो हंगर करते. और देर इज ए मिस मैच बिटवीन नेशनल डेटा एंड जोन के डेटा. नेक्स्ट, बिग ब्रदर. इसमें कंटेम्परेरी रेलेवेंस ऑफ द रेटोरिक ऑफ ओरवेल. ओरवेल तो जो ऑरवेल है वो बहुत फेमस है, जॉर्ज ऑरवेल. ही हैज रिटन द बुक एनिमल फार्म 1984. तो ही वॉज अ एंटी अथॉरिटेरियन ऑथर. ही क्रिटिसाइज द नोशन ऑफ सिंगल माइंडेड व्यू, वन डायमेंशनल थिंकिंग, मतलब कंफर्मिटी इन द सिस्टम, मतलब सब कोई जो बात करते हैं सब सेम बात कर रहे हैं. देर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन स्पीच. तो ऑरवेल उस पर बात करते थे. बिग ब्रदर मतलब कि टोटलिटेरियन स्टेट दैट सर्वेल एवरीथिंग, प्राइवेट इज ऑल्सो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इज पॉलिटिकल, एवरीथिंग शुड बी अंडर द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल फासिज्म, तो एक फेमस कोट है बेनिटो मुसोलिनी का, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग नथिंग बियॉन्ड द स्टेट,
नथिंग आउटसाइड द स्टेट, एवरीथिंग स्टेट, तो स्टेट ही डिसाइड करेंगे, तो वो हो गया बिग ब्रदर। तो कैसे अभी हाल कैसे टेक्नोलॉजी के एरा में वो यूज़ करते हैं, तो पहली बात है रूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, फिर स्नोडन का कॉन्सेप्ट, स्नोडन आया था, विसलिंग ब्लोअर था वो, उन्होंने बताया था कैसे NSA स्नूप करते हैं मोबाइल फोन बाकी जगह में, और प्लस सिर्फ और सिर्फ जो थॉट है टोटलिटेरियन थॉट, वो सिर्फ फासिज्म में नहीं है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर भी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ कॉन्फर्मेटिव बायस, कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ कोई आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे सोसाइटी के अंदर में, तो उन्होंने फिर एनिमल फार्म 1984 निकाला था। एनिमल फार्म में उनका मकसद ये था कि बताने का कि स्टार्टिंग में जो एनिमल है दे वर डिफरेंट, तो रिवोल्यूशन को कटल करने के लिए देवर स्टेटिंग कि एवरी एनिमल आज इक्वल, लेकिन लास्ट में पता लगता है कि कुछ एनिमल ज़्यादा इक्वल, सम ऑफ द एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, तो ये उन्होंने क्रिटिक किया था बेसिकली बोल्शेविक रिवोल्यूशन 1917 और 1984 में उन्होंने क्रिटिक किया विद रिगार्डिंग टू द जो टोटलिटेरियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फासिज्म, जो थिंकिंग होता है माइंडसेट, तो उन्होंने कनेक्ट किया है कि थ्रेट टोटलिटेरियन इट इज नॉट थ्रेट जस्ट टू ह्यूमन लिबर्टी एंड लिव एंड ह्यूमन राइट, बट ऑल्सो द लैंग्वेज एंड कॉन्शियसनेस। And also he stated कि जैसे real frightening thing about totalitarianism according to him is not that it is committing atrocities or it is like violating human rights, but he's going to more objective thing that it attacks the concept of objective truth, totalitarianism. हाँ, जैसे एग्जाम्पल बोला जाए कोविड के समय में कुछ भी कोई भी डॉक्टर थे दे वर रेजिंग कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इसको क्रिटिक कर रहे थे कि वैक्सीन ड्राइव सही है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन जो फाइजर और बाकी लोग डेवलप कर रहे हैं क्या वो ट्रू वो सही है, क्या ग्रुप पर फॉलो किया, तो उनको डी प्लेटफॉर्म किया जा रहा था सोशल मीडिया से ऑन द इशू ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन। बाद में पता चलता है कि फाइजर और इवन बाकी सब दे हैड देवर एलिजमेंट ऑफ चेंजेस, इवन हो सकते हैं बाईपासिंग द क्लिनिकल ट्रायल, तो कहीं ना कहीं ये थिंकिंग को भी इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, स्मोक मेल थर्ड उनको आया था विद रिगार्ड टू ओलंपिक गेम्स, हिज कैटेगरी वन ऑफ द टफेस्ट 50 मीटर राइफल पोजिशन कंपेयर टू 10 मीटर, विनिंग गोल्ड इज माई ड्रीम एंड अल्टीमेट गोल, द नेक्स्ट स्टेप इज टू विन ओलंपिक गोल्ड फॉर इंडिया, ब्रॉन्ज बस एक जरिया है अल्टीमेटली गोल्ड तक पहुँचना, ये उनका था। आई लर्न अ लॉट ड्यूरिंग द पैरिस गेम, दिस शोकेसेस द जील फॉर परफॉर्मिंग मोर, तो अंदर से ही उनका आपकी एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, है लेकिन ब्रॉन्ज के हिसाब से तो आगे बन जाते। नो एथलीट कैन स्लीप वेल अ फाइनल, इट वॉज अ सेम विथ मी, इट वॉज अ डिस्टर्ब, तो बात करते हैं कि माइंड कैसे इम्पैक्ट करता है, सा न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, फिजियोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ अ वाइटल फॉर एन एथलीट, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन डाइट इज इम्पोर्टेंट, प्रेशर को हैंडल करने के लिए साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट, एंड तो ऑप्टिमिज्म, स्ट्रॉन्ग इमेज। हाँ ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ वो सेल्फ अवेयर भी थे, क्योंकि अपनी खुद की वीकनेस पे भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड उस पे वर्क किया है। नेक्स्ट, माइक्रो आरएन, इस बार 3 नोबेल प्राइज मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कैसे करते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नोबेल प्राइज में इंस्टीट्यूशन, एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन कैसे इम्पैक्ट करता है प्रॉस्पेरिटी को, फिर फिजिक्स में अगर बात किया जाए तो न्यूरल नेटवर्क को मिला और बायोलॉजी में माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए बेसिकली एक पार्ट है दैट बिल्डिंग, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, और हाउ इट कैन बी यूज टू चेंज द एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ द आरएनए लिंकिंग और नॉट विद द यूज ऑफ क्रिस्पर, नहीं। डीएनए के पास 19 या 20 या जीन्स है, एंड नो सेल मेक्स ऑल 20,000 प्रोटीन, तो
तो कहीं ना कहीं जीन एक्सप्रेशन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इंफॉर्मेशन जीन टू मेक अ प्रोटीन इज सेल स्पेसिफिक है। सेल को तभी पता चलता है जब प्रोटीन जो बनाना पड़ता है। तो सेल वॉन्ट्स टू मेक अ प्रोटीन, इट फर्स्ट मेक्स अ ट्रांसजेंट कॉपी ऑफ जीन कॉल मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यूज करता है, कॉपी करता है, मैसेंजर है, तो बोलते हैं क्या बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो मैसेज प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टम, और अ जीन इज ट्रांसक्राइब टू एमआरएनए टू मेक अ प्रोटीन ओनली इन दो सेल वेयर द प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। तो मैसेंजर आरएनए के थ्रू ही बनाया जाता है। वंस एमआरएनए इज मेड सेल इज सेल कंटिन्यू टू मेक प्रोटीन अंटिल इट इज स्टॉप्ड, एक प्रोसेस लगातार। तो हॉल्टिंग ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्शन, जब पता लग जाए कि जरूरत नहीं है अब उसके ऊपर, इट कॉल्स अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्टम रेगुलेशन। इट आइदर वर्क ड्यू टू एमआरएनए डिग्रेड्स और आइदर इट इज ऑन इट्स ओन। तो फिर बात करते हैं कि दे हैव आइडेंटिफाई अ न्यू वे इन द सेल रेगुलेट द प्रोटीन प्रोडक्शन। तो ये बात हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस का, ट्रांसक्रिप्टम का बात हो रहा है, जिसमें दे हैव डिस्कवर टाइनी आरएनए मॉलिक्यूल, माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए, दैट बाइंड टू एमआरएनए एंड प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली ये बात हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का, कि अगर रोकना होगा कभी, पहले तो प्रोसेस है कि जीन एक्सप्रेशन है। अब सेल बात करेंगे कि विच विच प्रोटीन शुड बी मेड, एप मैसेंजर आरएनए के थ्रू बनाएंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टम। जब मैसेंजर बनाना स्टार्ट करेंगे तो रुकेगा ही नहीं, बनते रहेगा प्रोटीन, बनते रहेगा, सिंथेसिस होते रहेगा, अनटिल अनलेस इफ द एमआरएनए डिग्रेड्स और आइदर इट इज गिवन सिग्नल कि आपको बंद, आप बंद कर दो उसको। तो उसके अलावा भी माइक्रो आरएनए होते हैं दैट बाइंड्स टू एमआरएनए एंड प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक तरह से बोल सकते हैं इट इज अ सेम मटेरियल दैट मेक्स अप एमआरएनए। डिफरेंस क्या है, आरएनए के पास चार होता है केमिकल बेसिस, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, और जो एमआरएनए एमआईआरएनए 22 बेसिस है सिर्फ। हो सकता है कि लाख लैक्स लैक्स ऑफ बेसिस, इसमें एमआईआरएनए 22 बेसिस है। फर्दर इसमें एग्जैक्टली 6 दिया हुआ, पिछले बार माइक्रो आरएनए नहीं था। इन ऑर्डर टू अरेंज द बिड ऑफ द स्ट्रिंग इट डिपेंड्स ऑन विच एमआरएनए अ गिवन एमआरएनए गोइंग टू टारगेट। ट्रू, द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ द एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्ट्रेचेज ऑफ द बेस ऑन द टारगेट एमआरएनए। मतलब कि एमआरएनए को कम बेसिस उसके पास है, एमआरएनए बड़ा है, ब्रॉड है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसके पास, तो जहाँ बाइंड करना है वो एमआरएनए के पास है। इट बाइंड्स टू टारगेट, जैसे बाइंड होता है वैसे जो एमआरएनए है इट इज मार्क फॉर डिस्क्रिप्शन और अनेबल टू सर्व ए टेम्पलेट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। तो बेसिकली ये बात हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्टन पीरियड का, वहां पर एमआरएनए कैसे काम करता है, हाउ इट इनहिबिट्स द गिवन प्रोटीन इवन बिफोर इट बिगिंस। स्विचिंग ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्शन राइट टाइम इट इज वाइटल सेलुलर प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्टन में प्रोसेसेस बढ़ता है क्यों, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करता है सेल इनटू द करेक्ट टाइप, सेल डिवीजन, सेल डेथ इंपॉर्टेंट, एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस डिजीजेस फॉर एग्जाम्पल कैंसर। मतलब ये क्या एमआरएनए को यूज करा सकता है आई थिंक, और वो कैंसर प्रोडक्शन जो सेल होता है उसके अंदर में एबनॉर्मल प्रोटीन, हाँ प्रोटेक्शन होते रहता है। तो एमआरएनए को अगर टारगेट एमआरएनए एमआईआरएनए को अगर एमआरएनए पर बाइंड करा देंगे तो जो कैंसर सेल प्रोडक्शन है उसके अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है एमआरएनए का ओवरऑल सिंथेसिस और उसका स्टडी, ताकि थियोरेटिक पोटेंशियल जान सके। माइस के अंदर में हुआ है जहां पर कहीं ना कहीं कुछ मिला है इसका रिजल्ट, फिर लेकिन क्या हुआ कि पेशेंट में यूज किया गया था, लेकिन व्हेन द फोर्थ पेशेंट हैड डाइड इन्वेस्टिगेटर इमिडिएटली स्टॉप द ट्रायल। साइंटिस्ट लेटर मेड सिग्निफिकेंस एडवांसेस इन एमआरएनए टू टेस्ट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, हेपेटाइटिस सी, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक्सेट्रा। तो कहने का 581 क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। एमआरएनए टाइम इन मेडिसिन येट टू कम, लेकिन जो रेलेवेंस है क्यों इंपॉर्टेंट है एमआरएनए, क्यों प्रोटीन सिंथेसिस को कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है एमआरएनए के साथ बाइंड करके, ये एक बेसिक रोल हो गया है एमआईआरएनए का। और वो प्रोटीन सिंथेसिस कम करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्ट करना प्रोसेस तो पता ही है एमआरएनए करता है स्टार्ट, लेकिन बंद कौन करता है,
ये नहीं पता, उसके लिए एमआरएनए इंपॉर्टेंट है, उसका सिंथेसिस कारण हम लोग जो भी बॉडी के अंदर डिजीज है जो जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, एड्स हो गया, सब पे हम लोग हो सकते हैं कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी मेडिकल में अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थ्योरेटिकल एंड उस पर। अच्छा बोलो। Then next. नेक्स्ट लिखा है चाइनीज लैब क्रैक फिजिक्स मिस्ट्री नियर द कम्प्लीशन। जब लोग आइस क्यूब पढ़ रहे थे इन ज्योग्राफी सेशन, कि आइस क्यूब का रोल क्या है, कि आइस के नीचे रहता है, विद द हेल्प ऑफ द लाइट, जो लाइट आइस से रिफ्लेक्ट होता है, इसको बोलते हैं चेरेंकोव रेडिएशन। वो लाइट जो रेडिएशन है, और जो रेडिएशन का जो पैटर्न है, इट क्रिएट्स सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूट्रिनोस। तो उसको स्टडी करने के लिए क्यूब्स वेयर डीपली इनटू द सिस्टम ऑफ वो कस्ट, वैसे ही चाइना भी यूज कर रहे हैं। इंडिया में अगर बोला जाए तो रत्नागिरी में ली, वैसे ही वहां पर भी 300 मिलियन जैन में अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जूनो। ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल न्यूट्रो पासिस फ्रॉम मैटर, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल नहीं रहते, वो इनर्ट रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करते लाइट को। दैट इज वाई जो न्यूट्रिनो है वो बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन लाइट को करते हैं। इसलिए लाइट को स्टडी करने के लिए आइस क्यूब यूज कर रहे हैं वहां पर। आइस उन लोग का आइस क्यूब है अलग से। जाइंट स्फीयर 700 मीटर अंडर क्यूब, इट विल हेल्प टू ऑब्जर्व न्यूट्रिनो फ्रॉम द सन रियल टाइम। एंड जूनो विल बेसिकली जो ऑल्सो, हाँ बोलो। ट्रेडिशनल अभी हम मेथड यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, उससे ये डिफरेंट इसलिए क्योंकि ना ही ये स्कैटर होता है ना ही ये एब्जॉर्ब होता है, एंड बहुत ज्यादा सिक्योर है बाकी कंपेयर करेंगे अगर हम तो. बट इसी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं क्योंकि मैसिव अंडरग्राउंड लैब इसमें हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा, एंड हाई एनर्जी चाहिए होगी उनको पहले जेनरेट करने के लिए. इंडिया पाक अवॉइड ब्लेमिंग ईच अदर एज एस्यूमेटिंग दिस ओकेसेस अ मैच्योरिटी इन रिलेशनशिप स्लोली, कि एसियो मीटिंग वॉज अ मल्टीलैटरल मीटिंग रैदर देन बायलैटरल मीटिंग। आवर एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि ही हैड अराइव्ड टू इस्लामाबाद फॉर एसियो मीटिंग रैदर देन इंडिया पाकिस्तान मीटिंग। नेक्स्ट ले लो उसको। सो यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, एंड उसमें बहुत सारे शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम सॉल्यूशंस लेके आए हैं जैसे कि ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और इवन स्कीम जो कि दिल्ली में इम्प्लीमेंट भी की जाती है. देन स्मॉग टावर्स हमने इस्टेब्लिश किए ताकि डेटा कलेक्शन में और ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो पाए, एंड एंटी स्मॉग गन्स भी दिल्ली जैसे बड़े सिटीज में कई बार यूज किया जाता है. बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की जब बात करते हैं तो बोल सकते हैं एक बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्योंकि 3 से 4 फैक्टर्स मिल जाते हैं सेम टाइम पे जिसकी वजह से हर साल वो बैड एयर क्वालिटी में रिजल्ट करता है. सो रेन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट, देन साथ में ग्रीन स्पेसेस प्रोवाइड करना इन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है लॉन्च इन 2019 जो कि एम करता है ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, वो जरूरी हो जाएगा जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं उनको कम करने की जरूरत है एंड अडॉप्टिंग क्लीनर सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स. इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं
जिसमें या तो वो चाइना के जैसे एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन, या फिर एक्सट्रीमली लो एमिशन जोन क्रिएट कर सकते हैं हम इनसाइड बिग सिटीज. जिसमें अच्छा चीज लिखा हुआ है कि बच्चे बाहर निकलते नहीं हैं, घर में रहते हैं, और दे आर मायोपिया इज ऑन राइज बिकॉज ऑफ फोन यूसेस। तो एक दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और बैड एयर हेल्प मतलब डिजीजेस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, आर्मी टू कमोमरेट 62 ईयर्स ऑफ बैटल ऑफ वलोंग विद चाइना। तो इसमें वलोंग वॉर मेमोरियल शौर्य स्थल सेम क्री प्रोजेक्ट इज आर देयर फॉर इनोग्रेशन। 1962 में इंडियन आर्मी हॉल्टेड एडवांसिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी फॉर 27 डेज इन तवांग सेक्टर। तवांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। विच अनफोल्डेड अ फियर्स बैटल। चाइनीज चाइनीज फोर एडवांस्ड इनटू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर 4-6 कुमाऊँ रेजिमेंट थे, 4 सिख गोरखा सभी थे, 4,000 सोल्जर थे, लेकिन दे कुड नॉट ब्रीच इवन 800 मैन फॉर 27 डेज। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये मूवी नहीं बनता है। हमेशा हम लोग फेमस बैटर नाम जानते हैं, कारगिल हो गया, इवन 1962 वॉर में हारे हैं, ये आता है एक साइड, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे हम लोग रजिस्ट किए। तो मतलब जो काउंटर नैरेटिव है, नैरेटिव शुड बी फ्रॉम द कंट्री राधा ने कोई बना। IC 184 में अलग अलग नैरेटिव को यूज किया जाता है, राधा ने जो नेशनल नैरेटिव उस पर बात किया जाता है। तो लिखा भी है कि एट वलोंग इंडियन ट्रूप्स लैक्ड एवरीथिंग, मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेपन्स हो सकता है उस टाइम पे वी डिडंट हैव इनफ एंड एडवांस्ड वेपन्स, बट द ओनली थिंग दे डिड नॉट लैक वाज गट्स. गट्स। सो एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल शुड कैन बी यूज इन फोर्टिट्यूड इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग। अगर आपके पास गट फीलिंग है, आपके पास अंदर में डिजायर है टू अचीव, तो हो सकता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हार्शर ऑन पुअर फार्मर इन इंडिया, FAO का रिपोर्ट है। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग कि हाउ इट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द पुअर पीपल इन इंडिया, तो इसमें क्लाइमेट, हाँ, तो क्लाइमेट प्रूफिंग चाहिए इम्पोर्टेंट। क्लाइमेट प्रूफिंग तभी हो सकता है व्हेन देर इज अ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से वी हैव डिस्कस कि जो इंश्योरेंस मॉडल इंडिया में वो प्री हार्वेस्ट है, ओनली 2% इज पोस्ट हार्वेस्ट इंश्योरेंस। सेकेंड कि क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गया, उससे फोकस करना चाहिए। सॉइल मैपिंग, लैंड रिकॉर्ड, इवन वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि 80% ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर इज इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग जरूरत है। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, इट टॉक्स अबाउट क्रॉप्स क्या होना चाहिए, और कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए हर एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, कैसे हम लोग प्रमोट कर, सोशल सेफ्टी नेट प्रमोट कर सकते हैं। फर्दर जो एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो वी हैव टू फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट थ्रू यूज ऑफ अदर एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, जो वी हैव डिस्कस इन द कुरुक्षेत्र सेशन, इसमें रूरल टूरिज्म का बात होता है, फार्म स्टे, होम स्टे से लेकर के अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर, रादर ओनली वीट एंड राइस, कॉटन, हॉर्टिकल्चर बात कर सकते हैं, ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फिर फिर जो लोकल लेवल पर बोल सकते हैं स्टोरेज, 17 बिलियन टन स्टोरेज का बात हो रहा है, तो इसमें काम कर सकते हैं। फर्दर एक और दिया हुआ कि इट इज ऑल्सो अफेक्ट विमेन एज ऑल। तो फार्मर है ही, फार्मर के अंदर विमेन भी ज्यादा हो, क्योंकि विमेन घर में भी काम कर रही है, वहां भी काम कर रही है,
प्लस सोशल सिक्योरिटी नेट वीमेन के पास कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स उनका लैंड इनहेरिटेशन है, इट इज डन वाया पेट्रियार्कल नोशन, मेल मैन को ही मिलता है, वीमेन को नहीं मिलता है, तो इसलिए वीमेन को भी ज्यादा एक तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंडिया हाईलाइट टैरिफ एसिमेट्री इन एशियन अग्रीमेंट, तो भी हाल फिलहाल में 21st समिट हुआ, तो एशियन का अगर बात किया जाए तो 1992 में इंडिया बिकेम अ पार्टनर, उसके बाद इंडिया स्लोली इंगेज विद द एशियन कंट्रीज, 2008-07 में इंडिया डिस्कस इन द लॉन्गर रन इंडो पैसिफिक कैसे होना चाहिए, शंग्रीला डायलॉग में 2018 में पहली बार इंडिया ने बात किया कैसे एशियन का जो गोल है एंड द गोल ऑफ द इंडिया विद रिगार्ड टू इंडो पैसिफिक दे आर अलाइंड। और हम लोग अभी बात करते हैं 10 पॉइंट एक्शन प्लान क्या हो सकता है, कोऑपरेशन, हाइड्रो एनर्जी में कोऑपरेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, दोनों का ट्रेड एस्पेक्ट हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, फिर हर एक एस्पेक्ट में, फिर उसके पहले ही एशियन समिट के पहले ही इंडिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैड रीच ब्रुनई इवन सिंगापुर, वो भी नेगोशिएट कर रहे थे विद रिगार्डिंग टू इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन एज वेल एज अदर स्ट्रेटेजिक एरियाज, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, फॉर एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर डिप्लोमेसी विद बोथ द कंट्री वो बात कर रहे थे। तो इंडिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कंट्री वाइज अप्रोच इन एशियन, ऐसा क्यों, एशियन 10 कंट्री है, कस्टम यूनियन नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन चाहिए क्योंकि हर एक कंट्री का जो अपग्रेडेशन है, स्किलिंग है, इवन डेवलपमेंट स्टेज है वो डिफरेंट। तो इंडिया डिस्कस जो इंडिया एशियन ट्रेड डील जो साइन 2009 में, इन 21st एशियन समिट इंडिया है टॉक्ट अबाउट रिव्यूइंग ऑफ द ट्रेड डील, ताकि सब्सिडी मेजर वो कम यूज किया जाए, सब्सिडीज कम यूज किया जाए, और एट द सेम टाइम जो दोनों के बीच में डिफरेंशियल ऑफ ट्रेड है वो चेंजेस है, चाइना एशियन ट्रेड इज ऑन राइस, और एक रूल ऑफ ओरिजिन उसको हम लोग इन्फोर्स करें, क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एशियन कंट्री से हमारे यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है इट इज मेड बाई चाइना और इट इज बाईपास्ट, इट इज बाईपासिंग द रूल ऑफ ऑरिजिन, ये इंडिया बात करता है। तो डेफिसिट बढ़ा है, $44 बिलियन है पिछले 10 साल में ट्रेड डेफिसिट, इसलिए इंडिया बोलता है कि रिव्यू करें। इंडिया इज ऑल्सो नॉट ज्वाइन आरसेप, जो एक कॉशियस और एक क्रूशल डिसीजन था विथ रिगार्डिंग टू प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट। मैन्युफैक्चर मार्केटिंग ऑफ एंटीबायोटिक मे बी रेगुलेटेड, प्रेस्क्रिप्शन टू बी मैंडेटरी। हाँ, तो एंटीबायोटिक, तो रिसेंटली जो ड्रग CDCSO है दे हैव हाईलाइटेड, दे हैव गिवन अ सेट ऑफ लिस्ट जिसमें इम्पॉर्टेंट पैरासिटामोल से लेकर के इम्पॉर्टेंट ड्रग्स उसमें थे, दे वर डिस्कसिंग हाउ द एंटीबायोटिक इज इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द कॉमन पब्लिक। तो उन्होंने बात किया, द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड दे हैव रिकमेंडेड इंक्लूसिव ऑल एंटीबायोटिक इन टू डेफिनेशन ऑफ न्यू ड्रग्स, ताकि एंटीबायोटिक का रूल कम हो सके, यूज कम हो सके, और डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ रेगुलेट हो सके इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर अंडर ड्रग रूल 1945। क्यों ऐसा है, क्योंकि देर इज अ ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ थ्रेट ड्यू टू द एंटीबायोटिक, ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बढ़ता है एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज करने से। तो अभी है कि छोटा छोटा बीमारी होता है उसमें डॉक्टर दे प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक, अब वो खाते हैं, रोज लेते हैं, तो इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए देर इज अ नीड फॉर रेगुलेशन। तो DATA भी इम्पोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी। देन $500 बिलियन अपॉर्चुनिटी, PM टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैन बी रियलाइज ओनली रिफॉर्मिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल एपो सिस्टम अलोन्स एक्सपोर्ट $14 बिलियन, 1.6 लाख पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है 660 बिलियन है, अभी भी कम है देखा जाए तो क्या चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन वैली ऐसा था, ताइवान में था उस रीजन, PMFC, SMC, इवन सेंजन चाइना का तो की वर्ड लिख सकते हैं नॉर्थ, फिर NKER वियतनाम, ये सब क्लस्टर है वो सब कंट्री के अंदर। इंडिया में कैसे, इंडिया में कुछ क्लस्टर है तमिलनाडु में, नोएडा हो गए, जहाँ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है, ये दोनों मिला करके दे अकाउंट फॉर 50% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट,
श्री पेरुम्बर इन तमिलनाडु। क्या चाहिए? इन्वेस्टर चाहिए, रेगुलेशन सही चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी रिड्यूस। शेंजन के अंदर में जो 350 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, इट इज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर। तो वहां पर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है। फॉक्सकॉन फैक्ट्री जो श्री पेरम्बूर, 21,000 वर्कर है, इम्पोर्टेंट फैसिलिटी वहां पर है टू हाउस वर्कर क्लोज टू फैक्ट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर हाउसिंग चाहिए वहां पर, हॉस्पिटल चाहिए, रिक्रिएशन फैसिलिटी चाहिए, और RRTA जैसा मैकेनिज्म चाहिए कि अगर मान लीजिए अगर वो आस पास में अगर देर इज ओवर क्राउडिंग, देन 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर स्टैब्लिश कर सकते हैं सिटी को। तो लार्ज साइज या एंकर इन्वेस्टर अकेला नहीं है एनवायरनमेंट प्रोमोट करने का। प्रो एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉ, लॉन्गर शिफ्ट, कॉम्पिटिटिव टाइमिंग रूल हो गया, रोल ऑफ वेमेन, स्किलिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होना, मैकेनिज्म जो, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, सीमलेस होना चाहिए विदाउट टैक्स एंड टैरिफ इम्प्लीकेशन। ये हेल्प करेगा कैसे हम लोग इंडस्ट्री, सेमी कनेक्टर इंडस्ट्री को हम लोग ग्लोबल एस्पेक्ट पे कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। GST रेट, कॉर्पोरेट रेट ऑलरेडी एक तरह का बेंच मार्क है चाइना वियतनाम से, और करना चाहिए। इंडियन फैक्ट्री के पास दे आर हैविंग सेवरल लॉज, बिल्डिंग कोड, पॉल्यूशन नॉर्म, तो कम से कम एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए इसके अंदर हम अप्लाई करें और जल्दी से खोल सकें। यहाँ बिजनेस खोलने के लिए बहुत समय लगता है, उससे फोकस है। PPP मॉडल एग्जाम्पल एक और है, प्लग एंड प्ले मॉडल है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और जमीन नहीं चाहिए, वो बोलना चाह रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, वर्कर प्रो लेबर रिफॉर्म चाहिए, तभी जा करके हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एज अ वर्ल्ड वॉर्म्स एंड कूल्स, हाउ इट इम्पैक्ट द क्लाइमेट, हाउ इज इम्पैक्ट द डिजास्टर रेजिलियंस। तो बोला जाता है 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन बनने वाला है, तो वी हैव टू फोकस मच ऑन डिजास्टर एंड इट्स मिटिगेशन बिकॉज इट इज बाउंड्रीलेस। तो 2016 के अंदर में डिजास्टर रिस्क रिस्क रिडक्शन हुआ था, जिसमें 10 पॉइंट एजेंडा था, कुछ क्वेश्चन ही पूछा था इस बार, जो सेंडे फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, फिजिकल सेफ्टी कम करना और मिटिगेशन करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, और कंपेंसेशन रिड्यूस करना, कैसे लाइवलीहुड पोर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर उससे फोकस करना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो वर्क वर्कशॉप भी करते हैं, एडवाइस करते हैं, हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो कैन बी यूजिंग डेटा टू रिड्यूस द हजार्ड एंड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में साइक्लोन डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, हैती में ऐसे हुआ था, तो ये दिखाते हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग। साउथ सोमालिया, सूडान, वेस्टर्न सहारा में बढ़ते आ रहा है इम्पैक्ट, पाकिस्तान में